दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों से निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए कि इन चुनाव में आने वाले इतवार को, 12 तारीख को जो चुनाव है, उसमें भाई दुष्यंत को चप्पल का बटन दबा के भारी बहुमत से अपने को सबको जिताना है। अभी मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था 30,000 वोट से, कोई कह रहा था 50,000 वोट से। मेरा मन कहता है आज यहां पंडाल में इतनी भारी संख्या में सपोर्टर, कार्यकर्ता, वोटर इस गठबंधन के आए हुए हैं। अगर अगले 5 दिन आप लोग ठान लो कि 5 दिन सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, अब रात दिन मेहनत करनी है, तो भाई साहब 2 लाख से कम वोटों से जीतने वाले हमारे भाई दुष्यंत। और मैं हिसार का रहने वाला हूं, सिवानी में पैदा हुआ था। हिसार में मेरी पूरी परवरिश हुई, कैंपस स्कूल में पढ़ा, फिर डीएन कॉलेज में मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई, फिर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए, नौकरी करने के लिए निकल गया। आज हिसार में, हांसी में, सिवानी में, आसपास के गांव में मेरे चाचे, ताऊ, मामे, बुआ, फूफे, और मैं समझता हूं सामने भी उनमें से कई लोग बैठे होंगे। अपने गांव में रिश्तेदारियां तो दूर दूर तक की होती हैं, एक तरह से सारे ही दूर दूर के रिश्तेदारी हैं जी जो बैठे हैं यहां भी। आज मैं अपने सारे रिश्तेदारों से भी अपील करना चाहता हूं, मेरे सारे पुराने बचपन के दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि भाई दुष्यंत के लिए वोट तो देना ही देना है। अगले 5 दिन रात दिन मेहनत करने के लिए करके घर घर जाके वोट मांगना भी है सबको, और समझाना है। हम कोई फ्री में वोट नहीं मांग रहे, हम कोई अपने लिए वोट मांगने नहीं आए, देश की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसी के लिए हम कह रहे हैं हमारे हाथ मजबूत करो ताकि तन मन धन से हम जनता की सेवा कर सकें। ताऊ देवीलाल ने जनता की सेवा की थी, भाई दुष्यंत पिछले 5 साल से सांसद के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर पिछले 4 साल से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम हो रहे हैं। हम किसी एक आदमी के नाम पे वोट मांगने नहीं आए, हम काम के नाम पे वोट मांगने आए हैं कि जनता की सेवा करने का मौका दीजिए। दोस्तों, आज 5 साल हो गए मोदी जी को देश चलाते चलाते, 5 साल के बाद मोदी जी क्या कह रहे हैं, किस बात पे वोट मांग रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने एक काम नहीं करा 5 साल में। आप इतने आज भारी संख्या में हजारों लोग मौजूद हो, इतने मीडिया वाले भी हैं, ये दिखा देना और छाप देना, एक आदमी खड़ा होकर ये कह दे मोदी ने मेरे बेटे को नौकरी दिलाई हो, कोई ये कह दे हमारे घर की पेंशन लगाई हो, कोई ये कह दे हमारे गांव की सड़क बनाई हो, किसी को बिजली दिलाई हो, किसी को पानी दिलाया हो। 5 साल में मोदी ने किसी अस्पताल बनाया हो, स्कूल बनाया हो, बिजली दिलाई हो, 5 साल में मोदी को काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है। मोदी क्या कह रहा है? मोदी किस बात पे वोट मांग रहा है? मोदी एक ही बात कह रहा है, घर के आतंकवादियों के घर में घुस के मारा इसलिए वोट दे दो, यही कह रहा है ना मोदी, और तो कुछ नहीं कह रहा, यही कह रहा है। कह रहा है आतंकवादियों के घर में घुस के मारा इसलिए वोट दे दो। भाई साहब, अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया है कि भारत में दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहा है। भारत के 70 साल के इतिहास में आज तक ऐसा कभी कोई वाक्य
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपील करी है भारत की जनता से कि भारत की जनता दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दे। मोदी जी कह रहे हैं हमने आतंकवादियों के घर में घुस के मारा, आतंकवादी कह रहे हैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। भाई साहब कुछ तो सेटिंग कर रखी है मोदी जी ने आतंकवादियों से, गलत तो नहीं कह रहा जी? कुछ तो सेटिंग कर रखी है मोदी जी ने इमरान खान से, कुछ तो सेटिंग कर रखी है मोदी जी ने पाकिस्तान से। भाई साहब उन्होंने पुलवामा के अंदर हमारे 40 जवान शहीद कर दिए, हमारी सेना ने बालाकोट में जाके उनके 300 पाकिस्तानी मार दिए, दोनों देशों में युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है और इमरान खान कह रहा है मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? गलत तो नहीं कह रहा जी? कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं तो बता देना, है कि नहीं गड़बड़ कुछ ना कुछ? भाई साहब कुछ तो सेटिंग कर रखी है मोदी जी ने पाकिस्तानियों के साथ। इमरान खान ने चुनाव के 2 महीने पहले, सोच के देखो जरा, इमरान खान ने चुनाव के 2 महीने पहले 14 फरवरी को पुलवामा के अंदर अटैक क्यों करवाया? चुनाव के 2 महीने पहले पुलवामा में आतंकवादी भेज के क्यों हमारे सैनिक शहीद कराए? चुनाव के 2 महीने पहले ही करने की क्या जरूरत थी? और 10 दिन बाद इमरान खान कहता है मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। भाई साहब 2 साल पहले, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तानियों ने पठानकोट पंजाब में है, पठानकोट में हमारा एयरफोर्स का, हवाई सेना का एक बेस कैंप है, पाकिस्तानियों ने आतंकवादी भेज के उस बेस कैंप पे एयरफोर्स के कैंप के ऊपर हमला करवाया, आतंकवादियों ने हमारा एयरफोर्स का कैंप तहस नहस कर दिया, उस हमले की जांच हुई। पता है जांच किसने करी? मोदी जी ने पाकिस्तानियों को चिट्ठी लिख के कहा आप आके जांच करो। पाकिस्तान की ISI एजेंसी ने आके उस आतंकवादी हमले की जांच करी, खुद ही हमला कराया, खुद ही आतंकवादी भेजे, और मोदी जी आतंकवादियों को बुला के कहते तुम आके अपने हमले की जांच करो, हमारी एयरफोर्स सेना के सिर के ऊपर आतंकवादी बिठा दिए जांच करने के लिए। भाई साहब ये चल क्या रहा है मोदी जी और पाकिस्तानियों के बीच में? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? ये चल क्या रहा है मोदी और पाकिस्तानियों के बीच में? भाई साहब 4 साल पहले याद करो, मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे में गए थे, नहीं गए थे पता है सब लोगों को? एक दिन भारत का प्रधानमंत्री हवाई जहाज उठा के बिना बुलाए नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर में हैप्पी बर्थडे कहने चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, गांव के अंदर भी बिना न्योते के आप किसी के घर में जाते हो ब्याह शादी में? न्योता आता तभी जाते हो, अपने चाचे के घर नहीं जाते, ताऊ के घर नहीं जाते शादी में, न्योता आता है तभी तो जाते हो। बिना न्योते के एक दिन मोदी जी हवाई जहाज उठा के नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे बोलने चले गए। भाई साहब दो देशों के प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो दोनों के 3-3 महीने 4-4 महीने मीटिंग होती है अफसरों की। भाई साहब ये चल क्या रहा है मोदी जी और पाकिस्तानियों के बीच में? गड़बड़ तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मोदी का राष्ट्रवाद धोखा है, मोदी का राष्ट्रवाद फर्जी है, मोदी बहुत खतरनाक है भाई साहब इस देश के लिए। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों। आज जब आप गांव गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं,
कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दोस्तों, मोदी फर्जी राष्ट्रवादी है, असली देशभक्त अगर हैं तो वो दुष्यंत है, असली देशभक्त अगर हैं तो वो केजरीवाल है। हम देश के लिए मर सकते हैं, मिट सकते हैं, हम देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। दोस्तों, हम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज मैं व्यापारियों से पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में आपको बर्बाद करने में मोदी ने कोई कसर छोड़ी हो तो बता देना। मैं भी व्यापारी परिवार से आता हूं, व्यापारी किस तरह से 24 घंटे रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को पालता मैं जानता हूं भाई साहब। 4 साल में मोदी ने व्यापारियों की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं व्यापारियों से पूछना चाहता हूं, आपने जन्म से लेके आज तक बीजेपी को वोट भी दिए, नोट भी दिए, आप खूब चंदा देते हो बीजेपी को, आप खूब चंदा देते हो मोदी को, आपने खूब जम के वोट दिए मोदी को, क्या मिला भाई साहब? मोदी ने नोटबंदी कर दी, बोला नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होएगा, होया आतंकवाद खत्म। मोदी बोला भ्रष्टाचार खत्म होएगा, होया भ्रष्टाचार खत्म। सबकी दुकानें बंद हो गई, धंधे चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। दोस्तों, मैं सारे व्यापारियों से पूछ रहा, पूरे देश में जीएसटी कर दी मोदी ने, बिना किसी तैयारी के जीएसटी कर दी, सबके धंधे बंद हो गए, सबके धंधे चौपट हो गए। व्यापारियों से मैं कहना चाहता हूं, अब समय आ गया, बीजेपी को छोड़ दो, बीजेपी का दामन छोड़ दो, बीजेपी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, अब हरियाणा के अंदर इस गठबंधन का साथ थाम लो, अंतिम सांस तक हम रिश्ता निभाएंगे तुम्हारे साथ। व्यापारियों, अंतिम सांस तक रिश्ता निभाएंगे।